एबीवीपी कन्वीनियर सुरेश के साथ पहले और दूसरे साल के तलबा दिखाई दिए धरने पर। आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी पर। मासर टैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये वाकया, तलबात का कहना है कि पेपर की असलाह गलत तरीके से की गई और यह गैर मुनसिफाना है। तलबात ने एग्ज़ाम पेपर्स को सबूत के साथ पेश करते हुए बताया कि तमाम सवालात के मुकम्मल जवाब देने के बावजूद भी पॉलिटेक्निक के 70-90% से ज़्यादा तलबात को फेल कर दिया गया। ये तलबात एक ही जमात और एक ही कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तलबात ने हुकूमत बोर्ड और टेक्निकल डिपार्टमेंट को इसका मुकम्मल इल्ज़ाम दिया और इस बात की डिमांड की कि उनके एकेडमिक ईयर को नुकसान नहीं करते हुए उनको पास कर दिया जाए ताकि कोविड से होने वाले पहले नुकसान की भरपाई हो सके और उनको और बर्बादी का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। डिप्लोमा सेकेंड ईयर का बच्चा हूँ मैं, SBTT बोर्ड। हम लोग यहाँ पे आंसर्स अटेंड करे बट ना यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट बोल के लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रिवैल्यूएशन में डाले तो ना यहाँ पे अटेम्प्ट बोल के लिखे हुआ। हम लोग आंसर्स यहाँ पे लिखे बट ना यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट बोल के लिखे, ये बोल के नहीं, पूरे सब्जेक्ट्स हम लोग डिटो डिट लिखे, पूरे आंसर्स पूरा लिखे बट है ना वहाँ पे भी है ना 9 मार्क्स 8 मार्क्स डाल के लिखे, 4-4, 6-6, 7-7 क्वेश्चंस लिखे, उसके आंसर्स भी लिखे, 10 मार्क्स के आंसर लिखे तो भी है ना वहाँ पे क्या कर रहे हम लोगों को 9 मार्क्स डाल के छोड़ दे रहे, हम लोगों को वहाँ पे 8 मार्क्स डाल के छोड़ रहे, नॉट अटेम्प्ट बोल के दे रहे। तो अब ये ऐसा कैसा होता है, ये सब जिन्हें मेहनत करके लिखे पढ़े सब करे, 8 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखे, फिर शॉर्ट आंसर्स भी लिखे सब लिखे, वहाँ पे नॉट अटेम्प्ट बोल के दे रहे, शॉर्ट आंसर को 10 मार्क्स रहते उसमें से ना 9 मार्क्स बोले तो खाली एक आंसर के 9 मार्क्स दे रहे उन लोगों, पूरे पेपर में 9 मार्क्स दे रहे, उसमें कहाँ से हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें पूरों को फेल करके छोड़ दिए। सो है तकरीबन है ना 70-90% फेल हो गए। सो है ये पूरे एक ही कॉलेज के, पूरे एक ही ग्रुप है, पूरे एक ही कॉलेज के, पूरे डिप्लोमा के छे, पूरे एक ही कॉलेज के, पूरों को ऐसी करे। सो है भाई ये तो समझ नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट होना बोल के कर रही है या बोर्ड वाले होना बोल के कर रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले होना बोल के कर रहे हैं, वो तो नहीं मालूम भाई। डिमांड्स तो ये हम लोगों को है ना पास कर देना, कहीं को बोले तो हम लोग अकेडमिक ईयर वेस्ट हो जा रहा, पहले कोविड की वजह से अकेडमिक ईयर और वेस्ट हो गया था, ऊपर से बिल लोग ऐसा करके और अकेडमिक ईयर वेस्ट कर दे रहे, इंसाफ होना भाई हम लोगों को, लिखाना हम लोगों को मार्क्स, लिखे हुए आंसर्स को मार्क्स नहीं डाले आप लोग। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।